नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। दो पॉइंट बताऊंगा साथियों आपके, दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक तो ये कि भाई आपका ग्रेजुएटी बोनस कितने टाइम बाद मिलता है आपको, समझ में आ गए? बहुत सारे, मैं बोल रहा हूँ 90% लोगों को बोनस नहीं मिलता क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। यानी एक महीने के पेटे 3 साल का बोनस आप खो देते हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड बात बताएंगे कि आप छुट्टी कंपनी से कब ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को छुट्टी का नहीं पता होता, कंपनियां 2 साल तक छुट्टी नहीं देती हैं, 3 साल तक नहीं देती हैं, 15-18 महीने निकल जाते हैं। जबकि कुवैत लेबर लॉ क्या बोलता है, किस आधार पे आप छुट्टी ले सकते हैं, दोनों पॉइंट पे 3 मिनट में पूरी डिटेल दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोनस की। कई बार आपने देखा होगा कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कंपनी आप छोड़ रहे हैं, कंपनी आपको बोनस नहीं देती। आपका देखिए कुवैत का रूल है, दुबई का 1 साल से भी आप बोनस ले सकते हैं, 2 साल से तो मिनिमम होता ही है। आम कंपनी दुबई में दे देती है, यूएई में, लेकिन कुवैत का लेबर लॉ थोड़ा अलग है। 3 साल मिनिमम अगर आप किसी कंपनी में काम कर लेते हैं, जी हाँ 3 साल रेगुलर काम करोगे तो आप उसमें 3 साल का बोनस लेने के हकदार रहोगे जी। अब बोनस कितना होता है वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है, जितनी सैलरी होती है उस हिसाब से। जैसे आपके मान लीजिए 100 KD आपकी सैलरी है, तो आपका 1 साल का 1 महीने का मतलब 20 दिन का से या 25 दिन का कई एक महीने का सैलरी एक्स्ट्रा में आपको दे दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 साल आप रेगुलर किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको ग्रेजुएटी बोनस जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा। हाँ, छुट्टी जैसे कई छुट्टी होती है, जैसे दुबई में कुवैत में 1 साल से छुट्टी का ऑप्शन है, तो आप 11 महीने बाद छुट्टी का आवेदन करते हो, 1 महीने की छुट्टी है वो। अगर आप छुट्टी नहीं ले रहे हो 3 साल तक लगातार, तो छुट्टी का जो एक्स्ट्रा आपका बेनिफिट है वो कंपनी को, अगर आप बीच में भी छोड़ देते हो 2 साल से 1 साल से, वो कंपनी को देने का हक है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। आगे बात कर लेते हैं साथियों, कई बार छुट्टी के आपके मूड में बनता है भाई छुट्टी चाहिए, लेकिन कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है। कंपनी बोल देती है आपको तो 6 महीने हुए हैं, आपको 9 महीने हुए हैं, आपको 10 महीने, आपको तो अभी तक टाइम नहीं हुआ। जबकि कुवैत लेबर लॉ में आप 1 साल से छुट्टी ले सकते हैं, जी हाँ 11 महीने बाद आप छुट्टी ले सकते हैं 1 मंथ की। 9 महीने बाद भी आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 9 मंथ आपका होना चाहिए, बाकी 11 महीने बाद तो कंपनी को 100% 1 महीने की छुट्टी आपको देनी ही पड़ती है। लेकिन नहीं देती हैं, लोगों को नहीं पता होता है, कंपनी दबाव में ले लेती है, वो एक अलग इश्यू होता है। इसके लिए आपको कम से कम 9 महीने काम रेगुलर करना ही पड़ेगा, तब आप छुट्टी के हकदार रहते हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि कंपनी बोलती है कि आपके हिसाब से आपको 10-11 महीने हो गए, कंपनी बोलती है आपको 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन वो वीज़ा का टाइम लग जाता है। जैसे कई बार अपन देखते हैं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी ने वीज़ा 3 महीने बाद लगवाया, तो वीज़ा स्टेमिंग हुआ 3 महीने बाद, तो कंपनी वो टाइम ज्वाइन कर लेती है जबकि आप उसे 3 महीने पहले से सैलरी उठा रहे हो, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी 11 महीने बाद आप 1 महीने की छुट्टी के हकदार हो, कुवैत की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 अपडेट आपको बता दिए, अच्छे लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद।